वेलकम टू द एसिस फायरसाइड पॉडकास्ट। हमारे साथ है भारत के छह महान स्ट्रीमर्स, काफ़ी पॉपुलर है एंड हम सभी यहाँ घर में फंसे हुए हैं, तो और कुछ करने को है नहीं, तो व्हाई नॉट जस्ट हैव अ चैट विद ऑल आवर फेवरेट स्ट्रीमर्स। सो हाउ इज एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग इन दिस क्वारंटाइन? आई सर्वाइव्ड। बस कट रही, कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सोने का कोई ठिकाना नहीं है, कब उठ रहे, कब सो रहे, कुछ पता नहीं। आई गेस इट्स बीन अ मंथ ना ऑलरेडी, एक महीना हो गया लॉकडाउन में। एक महीना हो गया डूड, शिट, आई एम मिस गोइंग आउट। बट अच्छा यार, आई मीन घर पे बैठे हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर फैमिली एंड स्टफ, सो इट्स गुड इन अ वे। एक्चुअली वो भी पक चुके हमसे, बट या बोलने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट ठीक है। मेरा डॉग बहुत खुश है, he is happy, उसको ज़्यादा खाना मिल रहा है, सब लोग बैठे ना घर पे, everyone's feeding him, बोर होके, हाँ तू खा, थोड़ा entertain कर, थोड़ा बस घर का healthy खाना मिल रहा है, वो एक benefit मिल रहा है। हाँ, actually weight बहुत कम हो गया। weight क्या बोल रहे हो, weight कम हो गया या वेट कम हो गया? बाहर का पहला होगा जो फास्ट फूड खा खा के लाइक भाई वेट बढ़ रहा है। नहीं नहीं, वेट बढ़ रहा है, सही में बढ़ रहा है। I'm with you, Robo. मैं भी बाहर से मैं देखता ना Robo स्ट्रीम पे एवरी टाइम बाहर के बिरयानी खा रहा होता है। मेरा तो उल्टा खाना कम हो गया है, पता है क्यों? मुझे लाइक फूडी हूँ मैं काफी, तो बाहर का लाइक चटपटा वगैरह खाना पसंद है, तो जैसे पिज्जा हो गया कुछ ऑर्डर मैं कर लेता था। जब से लॉकडाउन हुआ भैया बाहर का खाना बंद ही हो गया। मैं तो जिम मिस कर रहा हूँ यार, सीरियसली। अरे जाता भी नहीं था, जाता था लग तो नहीं रहा जाता था। Are you guys excited to go out or are you liking this lockdown wala situation more? Starting mein excitement rehti hai, ab lag raha hai ki bahar jana hai bas, wo jaane do bahar. लेकिन पाजी एक्साइटमेंट लेके हम स्ट्रीमर से अपनी लाइफ तो रूम में ही रहती है ऑलमोस्ट। मैं लॉकडाउन से पहले बाहर जाना अच्छा भी नहीं लगता है, लाइक आई थिंक 2 महीना हो गया। मैं लॉकडाउन से पहले वैसे भी घर से कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि मैं फुल टाइम स्ट्रीमर हूँ, तो मैं वैसे ही घर पे था। कभी कभार होता था कि मंथ में एक बार फ्रेंड के साथ बन गया बाहर जाने का तो चले जाते हैं। अब 2 महीने से वैसे ही नहीं गया था, मैं कहा चलो अगले संडे पे हो रहा था कि दोस्तों के साथ मिलेंगे। लॉकडाउन लग गया, अब फील हो रहा है मुझे बाहर जाना है मुझे। सबको आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स अ वेकेशन, कुछ ना कुछ छुट्टी, अरे अ वीक और समथिंग। एक्चुअली मैंने सोचा कि एक काम करते, 2 दिन स्ट्रीम नहीं करते, फिर सोचा स्ट्रीम ना करते घर पे क्या करूंगा। मैं लकीली 1 महीना मुंबई में था डूड, अभी लास्ट मंथ ये मैं मुंबई में 1 महीना रहा, फिर उसके पहले भी मेरा वेकेशन टाइम ही चल रहा था टूर्नामेंट के लिए, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं आई एम हैप्पी। मेरे 2 महीना मस्त घूमा है लॉकडाउन से पहले, सो अभी घर पे ब्रेक अच्छा चल रहा है हल से। बढ़िया, घूमने का स्टोरीज अलग था। मैं जो लास्ट दिल्ली टू मुंबई वाला फ्लाइट है वो पकड़ के भाग के आया हूँ मैं, नहीं तो मैं फंस जाता दिल्ली में। आई स्टे इन मुंबई लेकिन आई वॉज इन दिल्ली फॉर PMPL। मेरा बहुत फनी सीन था, अब मैं मुंबई से अपने घर आ रहा था तो मेरे को खांसी था बहुत, क्योंकि बट इट वॉज नॉट कोविड, ओके इट वॉज नॉट कोविड, आई न्यू इट बिकॉज आई हैड टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, रात को, एंड मेरा बहुत ये सेंसिटिव है गला, तो मेरे को खांसी होता ही है, तो आई वॉज 100% श्योर दैट इट्स नॉट कोविड। एंड मैं फ्लाइट में बैठा, मैं पूरा टाइम खांस रहा हूँ फ्लाइट में, लाइक बट कवर कर गया ऑब्वियसली। नहीं नहीं नोबडी इज, नो 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 नो, कोई मेरे को ऐसा कुछ ऐसे देख नहीं रहा था, सस्पेक्ट किसी ने किया नहीं। फिर नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, मोदी जी गोज लाइव विद द अनाउंसमेंट दैट गाइस जो भी खासता हुआ देखे। मैं मेरे मन में सोच रहा हूँ क्या फटा रहेगा दोनों का, मेरे बाजू वालों का। आई वाज सिटिंग इन द मिडिल। अरे नहीं, इस माहौल में जो भी खास रहा खुद भी डर रहा है और बाकी हाँ। भी डर रहे हैं कि क्या मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे हो तो नहीं गया और मैं कोई फैला तो नहीं रहा। अच्छा, सो आर यू गाइस स्ट्रीमिंग मोर इन दिस लॉकडाउन और कम हो गया, या डू यू हैव मोर हाउस वर्क टू डू, और आर यू कीपिंग योरसेल्फ बिजी विद एनी अदर एक्टिविटीज, और कुछ कर रहे हो? मोस्टली सेम शिट है, सेम है। मेरा थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया लाइक, और पहले होता था हाईलाइट में हमेशा लाइक सैटरडे संडे डालता था। उसका रीजन होता था कि संडे लोग घर पे होते, मेरे बहुत सारे व्यूवर है लाइक 30+ है, 25+ है, जॉब वाले हैं, तो उनकी छुट्टी होती है तो आराम से वीडियो देख सकते हैं। अब सारे लोग घर पे हैं, अब तो मैं डे नहीं देखता, मंडे ट्यूसडे वीडियो बन गई अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या, मेरा तो मेरा चेंज हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ ना, मतलब दिन में जॉब रात को स्ट्रीमिंग, तो मैं अभी मस्त रोज हाईलाइट डाल रहा हूँ, कभी कभी तो दिन की 2-2 डाल रहा हूँ, स्ट्रीमिंग 5-5 घंटे कर रहा हूँ और सो भी ज्यादा रहा हूँ, सो सुबह रहा हूँ उठ रात को रहा हूँ, उल्टा चल रहा है सब कुछ।
सोने का सीन तो खराब हो ही गया पूरा. हाँ, स्लीप शेड्यूल मेरा भी मैसअप हो गया. आई मीन यहाँ पे किसी का नॉर्मल स्लीप शेड्यूल है कि सब लोग वही ट्रेन पे हो? आई ट्राइड फॉर अ वीक. रहता नॉर्मल है ना, खिसक खिसक के पहुंच जाता है एकदम अजीब. एक्चुअली अभी कैसे लॉकडाउन के रहते हैं, रात को इंटरनेट भी स्टेबल रहता है, चलता ही. बाय द वे से हाय टू एरो, दिस इज द एरो. नमस्कार क्यूटी. ये मोटा हो रहा है भाई, ये अकेला है जो खुश है. किसी ने ये लॉकडाउन के टाइम पे कुछ नया सीखने की ट्राई की? लाइक अभी स्विगी वगैरह नहीं चल रहा, तो किसी ने कुकिंग ट्राई की या कोई नई चीज है जो ट्राई कर रहे हो तुम लोग? मैं एक बार पानी पूरी बनाया, अच्छी बनी, तब से वही बना रहा हूँ रेसिपी लगातार पानी पूरी ही बना रहा हूँ मैं. एंड आई मेड अ नाइस पिज्जा डूड, इट वाज गुड. आई ट्राइड कुकिंग आफ्टर सो लॉन्ग. क्या बना रहे हो? मुझे खाना बनाना आता है थोड़ा अच्छी तरह से, तो मैंने कुकिंग में ट्राई किया, बट मैं इसमें ही ट्राई कर रहा हूँ. एडिटिंग सीख रहा हूँ, नए नए गेम्स खेल रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ. और हाँ, मैं माँ को टाइम दे रहा हूँ. मैंने कल बनाया था, कल शाही टुकड़ा बनाया था. मतलब फर्स्ट टाइम स्वीट डिश बनाई थी, सो इट्स लाइक कि अच्छा बना था. अब और चीजें ट्राई करेंगे, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, लोग कोई बोलते हैं अरे अच्छा बना है, फिर आप और ट्राई करते होगी, चलो एक चीज और ट्राई करते हैं. दैट्स नाइस. आई हैवंट ट्राइड एनीथिंग. मेरे को पता है नहीं बनने वाला है मुझसे. आई डोंट वांट टू लाइक उनका टेस्ट नहीं खराब करना है मेरे को अपने घर वालों का. मैंने बोला मैं नहीं बना रहा हूं, सॉरी. मेरा तो एक ही डिफरेंस है कि इन द लॉकडाउन माय मेड शी कैन नॉट कम, सो After whatever I eat, वो जो बर्तन जो साफ करने होता है ना, वो खुद बना रहा. और कुछ नहीं. तो खाना कौन बना रहा है? कोई ऑप्शन भी नहीं, ट्राई नहीं. स्विगी से खाना कौन? स्विगी चल रहा है, चल रहा है 4 बजे तक. और स्विगी के भरोसे मान लो किसी दिन लाइक दिखा रहा है कि नॉट अवेलेबल, तो क्या करेगा भाई? मेरा तो ये है कि बस घर में नई नई चीजें बना रहे, पिज्जा बन रहा है, दही पूरी बन रहा है, मैं बस खा रहा हूँ मस्त एकदम. कोई दिक्कत नहीं कर रहे हो, खा रहे हो बस. मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं बस खा रहा हूँ. अच्छा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, पहली पहली क्या चीज है जो तुम करने वाले हो? बाहर जाके नॉनवेज खाएंगे. एक्चुअली I want to go out and have a good food. I want to eat sushi. I don't know why. Oh, sushi. Abhi Nawabi shock chal raha hai, robo. Abhi dekh, ab main nikal nahi raha hu kahin. Paise bahut bach gaye. Saving bahut ho rahi hai. Kahin ja nahi sakte. I've already made a post about it. Waterfall ek ghar ke paas, matlab 100 km dur hai. But bahut bahut beautiful area. तो बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है. तो मैंने आई ऑलरेडी मेड अ पोस्ट अबाउट इट कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा मैं वहां जा रहा हूं. लेकिन पानी नहीं होगा ना वहां पे? पानी तो होगा ना, पानी क्यों नहीं होगा? वाटर प्यूरिफायर नहीं जाना. नहीं पानी अभी समर आया ना, तो पानी रहेगा हल्का हल्का, तो गिरेगा ना, चलेगा, अपने चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे. अरे पर लॉकडाउन है, पूरा नेचर रिस्टोर हो चुका है, नदियां क्लीन हो चुकी है, समुंदर भी क्लीन हो गया है. अब तो वहां पर जाके पानी पी भी सकते, क्या पता है. लेकिन अभी सपोज लॉकडाउन खत्म होने के बाद व्हेन यू गो बैक टू वर्क और व्हेनेवर, सम ऑफ यू आर फुल टाइम, सम ऑफ यू हैव अदर जॉब्स टू डू, वुड यू स्टिल प्रेफर यू नो वर्किंग फ्रॉम होम की ऑफिस में जाके ही काम होता है ढंग से? नो, आई प्रेफर गोइंग टू ऑफिस. हां एक्चुअली, क्योंकि बाहर जाते हैं ना, थोड़ा बॉडी को भी एक ये काम मिल जाता है, क्योंकि घर बैठे-बैठे एकदम मतलब जंग लग गया है पूरे बॉडी को, ऐसा फील आ रहा है. तो बाहर जाते हैं तो दिमाग भी डबल चलता है, कुछ नई चीजें देखने को मिलती है, विटामिन डी सोचने को मिलती है. हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि फिटनेस लॉकडाउन बढ़ रहा है, होम ये वर्कआउट प्लान एक मस्त महीने वाला खरीदने का, नहीं तो ऑनलाइन ही अपने यूट्यूब पे देख लेंगे, वो बेस्ट है, फ्री में मस्त एक महीने का होम वर्कआउट रूटीन में अभी चालू कर रहा हूँ. सो आई थिंक सबको ऐसा, हाँ नहीं, दिस इज द परफेक्ट टाइम डूड फिटनेस के लिए, करना चाहिए अपने को, क्योंकि बाहर निकल नहीं रहे हैं. तो जाऊंगा सीधा जिम वहीं पे. बाहर निकल नहीं रहे, यू आर ऑन योर चेयर एवरी सिंगल डे, पूरा दिन पड़े हो, तो इट्स गुड थोड़ा अगर उस पे अपने फोकस करें तो. सो व्हाट डू यू थिंक? ना थैंक यू हाइड्रा आप बोलने के लिए. अभी ये खत्म होने के बाद मैं ऊपर जा रहा हूं वर्कआउट करने भाई साहब. मोटिवेटेड हो गया मैं पूरा, मैं शंबर टक्के जा रहा हूं. अच्छा एक और चीज, बिकॉज़ ऑफ दिस लॉकडाउन गेमिंग इंडस्ट्री पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा. डू यू थिंक ये पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा कि नेगेटिवली इफेक्ट करेगा? एंड आपका स्ट्रीमिंग कैसा इफेक्ट हुआ इससे? स्ट्रीमिंग में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ अगर देखा जाए तो. स्ट्रीमिंग पे इफेक्ट नहीं हो रहा, बट ई-स्पोर्ट्स पे इफेक्ट हो रहा है. लाइक अभी जो हां लाइक टूर्नामेंट वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, कुछ रुक गए हैं,
अभी हैदरा भाई को तो पता होंगे कि वो कैसे उनको आउट ऑफ जाना पड़ता है टूर्नामेंट्स के लिए, तो उनका भी उनको भी बहुत सारे इवेंट होंगे वो भी कैंसिल हो गए, तो यही मेरा इंटरनेशनल ये टूर्नामेंट था like we are representing India and we were एकदम hyped up वहाँ पे कि अरे जाएंगे Philippines and खेलेंगे, but postpone हो गया. जब Philippines में first death हुई ना तभी उन लोगों ने cancel कर दिया, उससे पहले cancel नहीं कर रहे थे, they were like fine चलेगा, नहीं बढ़ रहा जैसे neglect कर रहे थे mostly हर जगह वैसे ही, but जैसे ही first death का उनको ये आया ना information मिला तो सारे tournaments events सब वही दिन पे cancel कर दिया, वही दिन पे हम लोग को mail आ गया that it will be postponed till July. अब देखते हैं जुलाई के भी आगे जाएगा आई एम श्योर. सो आई गेस वन मोर थिंग इन गेमिंग इंडस्ट्री इज जब ये खत्म होगा लॉकडाउन तो सब पीसी गेमिंग पार्ट्स का सब प्राइस हो इट विल इंक्रीज आई फील बिकॉज़ द डिमांड विल बी डिमांड दे विल इंक्रीज द प्राइस. सो एंड वन मोर थिंग अफेक्टेड अस वाज YouTube सर्वर्स आर बैड. हां YouTube सर्वर्स आर बैड, सो मेनी पीपल आर वाचिंग. सिर्फ उतना ही नहीं है कि वो 480p वाला आ रहा है, हाँ, बफर वाचिंग ग्लिच, बहुत सारी नोटिफिकेशन और सब मिलके अपने को ही बोल रहे हैं कि आपकी हाँ, गलती हो रही है कुछ आपके एंड से. स्लीप शेड्यूल्स अफेक्ट हो रहे हैं, गेमिंग अफेक्ट हो रही है, आई मीन टूर्नामेंट्स भी कैंसिल हुए. लकीली एसिस का जो टूर्नामेंट है वी सेट की उनका जो लैन था IGX वो तो कुछ नहीं, वो तो खत्म ही हो गया, बट देन दे आर ऑर्गेनाइजिंग सम लॉकडाउन टूर्नामेंट्स एंड वो अच्छा है ऑनलाइन टूर्नामेंट्स कर रहे हैं. एसुसारुजी शोडाउन, डिड यू गाइस पार्टिसिपेट इन एनी टूर्नामेंट्स और एनी रीसेंट इवेंट्स? नो, आई वाज थिंकिंग पबजी पीसी आई विल डू, बट देन आई लेफ्ट, अभी फिलहाल पबजी पीसी ज्यादा खेल नहीं रहा हूं. R6 आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं आता, एंड LOL तो भाई कभी छुआ ही नहीं. नॉट सीरियसली इतना कोई प्रैक्टिस नहीं रहे, बट इट्स फाइन. लाइक अभी क्या होगा कि लोग जब देखेंगे ना हाउ मच पोटेंशियल दिस गेम हैज, तो उसके बाद देख मेरा काम ये नहीं है कि आई गो अहेड एंड कम्पीट लाइक इंटरनेशनल लेवल पे. मेरा मतलब ये है कि यू सी द पोटेंशियल ऑफ द गेम, यू गेट मोटिवेटेड, यू स्टार्ट लाइक प्लेइंग एंड एंजॉयिंग एंड लाइक एक नया गेम निकल के आए. और या आई थिंक न्यूकमर्स को ये दिखाना भी जरूरी है कि सिर्फ पबजी नहीं है, बाकी गेम्स भी है कि यू हैव टू प्ले. क्या बता, लाइक मैं अच्छा नहीं हूँ क्रिकेट में, आई माइट बी गुड इन फुटबॉल और बैडमिंटन, फिलहाल एक CS:GO टूर्नामेंट ऑलरेडी हो गया है, PUBG टूर्नामेंट, तो मे बी इफ द लॉकडाउन एक्सटेंड्स मे बी शायद टूर्नामेंट्स भी और आएंगे. सो दैट्स गुड. मोर देन दैट, इफ यू हैव अ चांस कि बिकॉज वैलोरेंट नया गेम है, विल यू ट्राई गोइंग प्रो इन इट और समथिंग? विल यू ट्राई पार्टिसिपेटिंग? या आई विल, I definitely will. Too. Yeah, अच्छा गेम है वो, अच्छा गेम है. मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, बट मैं वो एड्रा की तरह एफर्ट्स नहीं ले सकता उस गेम के लिए. इसलिए मैं रुका हुआ हूँ उसके प्रॉपर रिलीज के लिए. वह दो साल से आई एम प्लेइंग पबजी एंड आई विल टेल यू इट्स अ बोरिंग गेम. सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए वो जिंदा है, लाइक गेम. आई मीन यू गेट बोर्ड ऑफ वन गेम. हाँ, इट्स फाइन. लाइक कॉम्पिटिटिव व्हेन यू प्लेइंग स्क्रिम्स एंड एवरीथिंग, इट्स फन टू प्ले बिकॉज चैलेंजिंग लगता है एंड स्ट्रेटजी सब टीम वर्क के साथ इट्स फन. बट व्हेन आई एम प्लेइंग कैजुअल गेम्स ना, आई गेट बोर्ड, आई गेट वेरी बोर्ड बिकॉज मजा नहीं है. दो साल से वही कर रहे हैं, लूटो हील करो ये करो. अब यही सेम चीज होगी विद वॉरजोन. लाइक जितना ज्यादा खेलोगे ना यू विल गेट बर्न आउट ऑफ दैट गेम, और फिर कैजुअल खेलने में होगा अरे यार कितना सुपरस्टार जाए कितना तो ये सीन हो जाएगा फिर से. लाइक साइकिल and Valorant तो मतलब I was a CS:GO fan, like starting मैंने gaming करने की शुरुआत थी, मैंने CS:GO ये Counter Strike 1.6 से then CS:GO, but 1.6 में ज़्यादा time नहीं खेला. तो Valorant gives the same 5v5 scenario and plus with the ये Overwatch वाला heroes and इस सब के abilities है, तो काफी fun है. तो I'm sure मैं try करने वाला हूँ, अगर competitive scene India में worth लगेगा मैं 100% कर रहा हूँ. 5v5 में यही सबसे बेटर रहता है कि लाइक हर समय चैलेंज बढ़ता रहता है बिकॉज योर ओपोनेंट्स गेट बेटर, और ओपोनेंट्स जब बढ़िया होते हैं आपको जीतने के लिए और एफर्ट डालने पड़ते हैं, और एफर्ट डालने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, एक स्ट्रेटजी सीखनी पड़ती है, तो फिर बहुत ही ज्यादा मजा. इट्स नॉट अ लक बेस्ड गेम लाइक PUBG. नो,
तो अभी ये जो नए गेम्स है, विच गेम्स वुड यू रेकमेंड टू योर व्यूअर्स टू ट्राई? फॉर स्टार्टर्स PUBG खेलो, अच्छा गेम है। फॉर स्टार्टर्स वॉरजोन जितने लोग नए प्लेयर्स आते हैं ना वो तंग हो जाते हैं PUBG में, उतर रहे मर जा रहे हैं। Warzone में you can have retries and shit like that, so तुम मर गए तो your teammates can buy you back again. Plus Warzone का जो skill level है ना काफी नीचे है, तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती master करने में। अच्छा गुल्लक वाला scene भी सही है, गुल्लक गुल्लक plus Warzone, why I recommend people trying out Warzone if they want to get into BR battle royale games, क्योंकि लोग कैजुअली खेल रहे हैं, एज इन पीपल आर प्लेइंग फॉर फन, सो यू वोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल कैंपिंग, ठीक है, तो बस सब ओपन में ही भगते हुए देखेंगे, एंजॉय करते हुए देखेंगे, सो यू कैन इजीली शूट देम डाउन एंड लर्न द गेम, एंड इट्स फन बिकॉज देर आर सो मेनी वेपन्स लोड आउट एंड ये सब तुम एक्सपीरियंस, एंड इफ यू आर बाइंग द गेम फिर तो और सारे मोड्स भी अनलॉक हो रहे हैं, तो एंड प्लस फ्री भी है, एंड आई थिंक वीकेंड दिस वीकेंड दे हैव द मल्टीप्लेयर एक्सेस फ्री, मल्टीप्लेयर एक्सेस फ्री फॉर एवरीवन। अब दे डू इट लाइक लास्ट टाइम भी किया था, ओनली प्रॉब्लम इज इतना डेटा नहीं है लोगों के पास कि वो डाउनलोड कर पाए। अरे आज एक मतलब पूछ रहा था जियो पे, जियो पे डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा, बेचारे को 1.5 GB एक दिन का मिलता है, 100 दिन लगेगा बेचारे को डाउनलोड करने में, 100 दिन उसके बाद जब ओपन करेगा भाई गेम अपडेट है 20 GB का, अरे 20 दिन और अपडेट करना अभी तो अभी नहीं है, आपने डाउनलोड में ही टाइम लगा है। जियो वालों के लिए तो कतई वॉरजोन नहीं है, सॉरी ब्रो। हाँ ये एक अच्छा पॉइंट किया, उतनी जगह पीसी में भी होनी चाहिए ना, लाइक बट अब यू नीड स्पेस। अब इसी में I am here. Valorant कितना better आता है? Just think कि Valorant 3.3 GB का download size है. But yeah. The game size of the game is 8 GB. Install होने के बाद it's 6.9 GB best. That is less than CS. Yeah. और update आया है इसका 500 GB का. No, because I think they have only 3 maps right now. They will release more maps and more agents and more things. Also, it'll run on your toaster as well. Just like CS:GO, it'll run on your toaster as well. कल मैं बैठा मोबाइल पे देखा प्ले स्टोर में Fortnite आया, अब Fortnite के लिए 3.9 GB मुझे डाउनलोड करना था, एंड Valorant 3.3 इन फोन मोबाइल में, हां मोबाइल पे Fortnite आया था ना 3.9 GB ऑफिशियली रिलीज हो गया Fortnite। या आपका फोन कौन सा है? आपका फोन iOS के लिए है जी। अरे फिर तो भाई जाओ Fortnite खेल सकते हो इजी। रोबो वेरी इजी। अरे रोबो और श्रीमान भाई के पास है, सबके पास है क्या? आप लोग के हाइड्रा के पास भी है? नहीं नहीं आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास भी नहीं। टीबोन के पास होगा, सेंड नो नहीं है टीबोन पक्का, झूठ बोल रहे ना जी आई आई मेरा लोगों ऐसे फ्लैश कर, मेरा जो फोन था वो बहुत पुराना हो गया था, एंड इसका जो बैटरी है दैट जस्ट सॉल्व्स एवरीथिंग, उसका प्रॉब्लम लाइक 6000 mAh बैटरी जस्ट सॉल्व्स एवरीथिंग फॉर मी, ट्रैवलिंग के टाइम व्लॉग या कुछ भी रिकॉर्ड करना है, सो इजी। ए व्लॉगिंग तो यू हैव अ कैमरा ना रोबो? या बट यू नो व्हाट इफ यू कैमरा रन आउट हो गया, सो यू गेट दिस एक्स्ट्रा ना, और इसका कैमरा भी सही है, सो आई हर्ड वैलोरेंट का मोबाइल वर्जन भी आएगा वेरी सून। यस वंस द गेम रिलीजेस दे आर एपेक्स का भी बोला था अभी तक तो वैसे देयर इज अ रिप ऑफ ऑफ रेनबो सिक्स सीज, रेनबो सिक्स आया ना एरिया F2, या एरिया F2 इज आउट, इट्स सो गुड, इट्स एक्चुअली गुड, लाइक फोन में खेलने के लिए काफी सही है वो, अगर एक अच्छा डेवलपर बना रहा है तो एक सही गेम बन जाती है, तो एंड लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, नाउ इन माय चैट आई सी मोर ऑफ एरिया F2 R6, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था, मोबाइल में आया देता है कहां ये अच्छा गेम है मस्त है, लोगों को बोलते ट्राई करने को, तो अवेयरनेस आ रहा है। नो इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर ना, सी इट डिपेंड्स ऑन टूर्नामेंट्स ओनली अभी, क्योंकि यार लोगों को पता है कि PUBG में अगर वो लोग ग्राइंड करेंगे ना तो इन द एंड ऑफ द डे दे कैन गेट इनटू अ प्रो टीम, दे कैन गेट इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक अ लिविंग, स्टार्ट लिविंग, या मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट थ्रू PUBG, बट इफ देयर इज नो टूर्नामेंट फॉर कॉड और वैलोरेंट मोबाइल और एरिया F2,
I don't think a lot of people will get into it. अभी gaming industry पूरा tournament के base पे चल रहा है, जिसका tournament scene ज़्यादा happening है, उसमें ज़्यादा players है, because they know that they're gonna get something out of it in the end when they get good. So if to come maybe in future they might. तो फिर क्या दिक्कत है? In area F2, yeah. Like if tournaments happen, it might work. But the beauty about PUBG Mobile is, तुम्हें ऐसे इतना बड़ा स्क्रीन नहीं स्टेयर करने का है, ना कि तुम्हें एक जगह पे प्रॉपर्ली बैठने का, यू कैन सिट एनीवेयर एंड प्ले द गेम. सो इसलिए ज्यादा लोग खेल रहे हैं ना इतना, क्योंकि इधर उधर बैठ के आराम से चिल मार के खेल रहे क्या, और कुछ देखना भी नहीं है. लॉकडाउन में PUBG Mobile खेलने वालों की जो वो है ना, वो ज्यादा बढ़ गई है, इंस्टेड ऑफ देखने वालों की या खेलने वाले. तो भाई पागल को तरह भाई चालू सारा दिन खेल रहे हैं. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में mostly PUBG Mobile, because उसमें क्या है कि friends के साथ खेल सकते हैं. बाकी normal mobile games तो obviously people are into, like ज़्यादा खेल रहे हैं. अभी बहुत सारे celebrities भी खेल रहे हैं PUBG Mobile. अरे सारे अभी every celebrity is getting into this thing, dude. ये streaming and gaming. अच्छा, it's good for us. YouTube channel भी बन रहे हैं. YouTube वही BB की vines, आशीष चंचलानी अभी thanks to बहुत सही है वो introduce कर रहा है. इससे क्या होगा कि गेमिंग को इतना ज्यादा सीन मिलेगा, देखने को मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा इसको. yep. क्रिकेट प्लेयर्स आर देयर. अभी देखो अभी आशीष चंचलानी ये लोग आ रहे हैं. नाउ सेलिब्रिटीज लाइक मूवी स्टार्स विल आल्सो गेट इनटू इट वेरी सून, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लाइक घर में बैठे फिल्म्स एंड स्टफ. हां नहीं नहीं जी, जहां पे नंबर्स है वो ग्रो होने वाला है. ठीक है, PUBG मोबाइल एंड यूट्यूब स्ट्रीमिंग एंड और द लॉकडाउन विल एक्सटेंड. या अभी मैंने एक जगह पे पढ़ा धोनी प्लेज पबजी, नेमार प्लेज पबजी एंड इवन अर्शद वारसी सर्किट फ्रॉम मुन्ना भाई. We had no robo recently, that guy from IPL. Rian. Rian, yeah. He plays for Rajasthan Royals. A tournament 5v5 against them. That was fun. तो ये सारे लोग जब एक बार गेमिंग को टच भी कर लेंगे ना, जैसे क्या निंजा के साथ उसने ड्रेक ने खेला था, वो भाई निंजा को टच करते ही भाई वो बंदा पता नहीं कहाँ पहुंच गया, निंजा इज लाइक खत्म. और फिर क्या हुआ कि उस गेम को इतनी पॉपुलरिटी मिली, स्ट्रीमर्स को पॉपुलरिटी मिली, से बहुत सारी चीजों को एक्सपोजर मिला है, और लाइक एक बार बस टच करने की देरी है. तो फिर जल्दी जल्दी करो यार टच, सबसे एक रिक्वेस्ट है और क्या. ठीक है, ओके. व्हिच गेम्स वुड यू आस्क योर व्यूअर्स टू टच अपॉन, आई मीन अदर देन PUBG, Valorant, CS, Warzone, कंपेटिटिव एंड Warzone, एनी कैजुअल स्टोरी मोड गेम्स और एनी फन गेम्स? बियॉन्ड टू सोल्स, इट्स ऑन एपिक स्टोर, दैट्स अमेजिंग गेम. बियॉन्ड स्टोरी, सो इट वाज ऑन PS4 एंड वो रिसेंटली अभी इसमें है PC में. एंड डेट्रॉइट बिकेम ह्यूमन, आई थिंक वो भी एक अच्छा गेम है, काफी अच्छा गेम है. सो वो भी PS4 गेम था व्हिच केम इन ऑन दिस थिंग. आई प्लेड डूम इटर्नल, डूड क्रेजी, मजा आ गया. दिखने में काम है, दिखने में काम है. If you play, it's not काम. I like the character, like काफी cute, cute सा, glowy. Story is very good. Story. और लोगों को काफी interest आता अंदर से. Other than FPS games, I think League of Legends or Dota, you should just try. Dude, racing games, dude. I'm playing F1 कभी कभी ऐसे थोड़ा थोड़ा खेलता हूँ मैं. F1 2019, dude, crazy, मजा आता है. And if you have a wheel. If you have a crypto, मेरे पास था, मेरे पास 4-5 साल से. नहीं नहीं, I have the cheapest one, the legend, legend wheel. अरे it was on off also, Ferrari वाला ना. समझ गया मैं, वही था. मैं जब मतलब बजट नहीं था, जब एकदम छोटा सा था, तो फिर वही सबसे देखते सबसे सस्ता वाला कौन सा है, तो फिर same dude, same. तब से पढ़ा है and it works for ये F1 2019, so that game is also nice. Dirt 4 I tried, Dirt 4. So racing games काफी. Forza Horizon भी अच्छा है, 4. Forza Horizon काफी अच्छा, but again download size. तुम लोगों ने F1 कार ट्राई नहीं किया? एक बार lockdown खत्म होता है, I will get a driving setup ऐसा. अच्छा है वो game. Hey T-Bone, so slow man. The game is so slow. EFT. अच्छा चलो सब अपने-अपने expectations लगाओ. कब तक lockdown end होगा? मतलब सब अपना-अपना बताओ. कैसा क्या लगता है? Next week. Next week, June में जाएगा मेरे हिसाब से. नहीं, I feel like it's gonna go till
एंड ऑफ मे वर्क फ्रॉम होम तक एंड ऑफ मे या मे मे एंड तक तो एटलीस्ट जाएगा एटलीस्ट मे एंड मेरे को जून वाला फीलिंग आ रहा है जून आई थिंक जून 15 तक जाएगा जून मिड जून 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 मिड हां जून तक जाएगा एक एक चीज पूछनी थी एक जैसे लॉकडाउन है हम सारे स्ट्रीमर्स हैं ठीक है वी अर्न थ्रू स्ट्रीमिंग आल्सो सो अगर पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है एंड पीपल आर तो घर पे हैं उनका इनकम रिड्यूस होगा सो स्ट्रीमर्स को जो वो सुपर चैट करते हैं या डोनेशन करते हैं किसी ने उसमें कमी देखी है डिड एनीबडी लाइक सॉ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन आई एम नॉट सेइंग कि आई नहीं लाइक ग्रेजुअल डिक्लाइन कुछ नोटिस किया किसी ने हाँ वो हुआ है वो अप डाउन चलता रहता है वो अप डाउन चलता रहता है तो वी कांट से इट्स बिकॉज ऑफ दिस राइट अप डाउन चलता रहता है अप डाउन लाइक हर दिन की बात नहीं होती ऐसा भी हो सकता है लाइक कि ग्रेजुअल डिक्लाइन जाए और फिर उसके बाद यू नो कि लोग देख तो रहे हैं बट वही बात है कि दे कैन नॉट स्पेंड बिकॉज लॉकडाउन है भाई सबको अपना अपना भी तो खर्चा करना है घर पे नहीं लेकिन लोग भी बहुत है ना तो सबकी कंडीशन सेम नहीं रहती है ये मैंने नोटिस किया है लोगों को टाइम मिल रहा है मस्त अपना गेम खेल रहे हैं घर पे बैठ के लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे बोलूंगा लॉकडाउन चल रहा है ना तो व्यूअरशिप थोड़ी अलग हो गई है अभी बहुत ज्यादा एक्टिव व्यूअर्स आ गए हैं देखने के लिए और मतलब चैनल ग्रोथ में फर्क आया है मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ग्रोथ तो सबका हो रहा है लॉकडाउन के बाद में क्योंकि पहले लोगों के पास टाइम नहीं होता था अब काफी लोग नए व्यूअर भी आ रहे हैं जो देख रहे हैं और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो रहे हैं लाइक पहले से बेटर हो रहा है अभी या इट्स नाइस तो चलो हम लोग भी एक गेम खेलते हैं टाइम पास गेम है इसे कहते हैं टू ट्रूथ्स वन लाई ओके अच्छा जिसमें नहीं समझा वो तीन स्टेटमेंट बोलने तुम्हें तीन स्टेटमेंट कुछ भी बोल सकते हो खुद के बारे में दुनिया के बारे में किसी के भी बारे में मोस्टली खुद के बारे में बोलो तो ज्यादा मजा आएगा बिकॉज व्यूअर्स को एंटरटेनिंग लगता है उनमें से दो स्टेटमेंट सच होने चाहिए एक झूठ होएगा ठीक है अब हम गेस करेंगे कि उसमें से झूठा स्टेटमेंट कौन सा है ठीक है शुरू ओके सबको अपना अपना अलग गेस करना होगा तब I am a guy and I have also played competitive and Robo has a girlfriend guys batao jaldi batao jhoot kya hai isme ek second kya bola fir se bola I am a guy see main ladka hu and main competitive PUBG khelta tha and Robo ki girlfriend hai jhoot batao are Robo ki girlfriend nahi hai jhoot hai ek hi sach hai aap ladke ho कम ऑन गाइस यार अभी ये बैकफायर मत करो मेरे पे थोड़ा सा उल्टा बोलना चाहिए था ऐसा बोलना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड है तो लाइक इसमें हो सकता था ना डाउट की या है नहीं मैं भी सिंगल ही हूँ यार मैं भी सिंगल हूँ पाजी सबका नसीब ऐसा नहीं होता ना अच्छा ठीक है बिकॉज उन्होंने रोबो को ताना मारा रोबो वाइड हाँ स्ट्रीमर्स इनविटेशन होता रहता है लाइक एवरी ईयर समवन डज इट सो I have won PUBG first invitational. I have won first Apex invitational. I have won first Battlefield invitational. इसमें से एक झूठ है. Which one is it? PUBG वाला. I guess Luna जीत. हाँ ये झूठ है. PUBG वाला झूठ है. Luna जीता था. नहीं वॉरजोन या तो इसने खुद को इनवाइट करके वॉरजोन तो बोला ही नहीं इसने Apex बोला. वॉरजोन Apex बोला. क्या था बैटल फील्ड खेला था हमने आई थिंक रोबो ने भी खेला था उस टाइम रोबो ने वो तो था और पबजी का भी हुआ था पता ही नहीं चला जीता कौन था अरे तो वही तो सोचो ना कौन जीता था यही तो झूठ बोल रहा है शायद
एपेक्स वाला जीता का भी हुआ था पबजी में मैं भी मुझे पता है मैं भी था तो मुझे पता है एपेक्स का मैं नहीं था बैटलफील्ड उसमें आई गेस रोबो जीता था डूड रोबो बैटलफील्ड कंफर्म जीता था बिकॉज पबजी वाला एपेक्स 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 और ठीक है भाई ठीक है भाई नहीं ट्रॉफी पड़ा है मेरे पास देख रहा था कौन सा वाला है वो अच्छा देखता हूं एपेक्स वाला झूठ है नहीं उसमें नंबर लिखा है थर्ड फोर्थ था अच्छा ओके ओके तो वो थर्ड है तो इसमें से क्या झूठ था एपेक्स वाला पबजी मेरे हिसाब से पबजी वाला आई वाज द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड इन पबजी सो आई एम लाइक नहीं कौन जीता था फर्स्ट वाला मुझे याद नहीं आ रहा फर्स्ट वाला एसके ठीक है हु वांट्स टू गो नेक्स्ट मुझे फिटनेस बहुत पसंद है और मैं जिम रोज जाता हूँ ये दो हुआ एक और तीसरा तीन बोलना तीसरा भी चाहिए अरे बट ये तीसरा ये दो कैसे ये जिम रोज जाता है ये दो सच बोलने एक झूठ बोलना है मैं जिम रोज जाता हूँ ये झूठ है ये तो झूठ है ये तो लॉकडाउन चल रहा है झूठ बोल दिया नहीं नहीं लॉकडाउन नहीं पहले भी नहीं जाता था उसके पहले बाद भी नहीं जाता थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ ना टी1 भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ टी1 भाई इंटरेस्टिंग है ना इतना तो जाता ही नहीं हूं फिटनेस बहुत पसंद है लेकिन जिम नहीं जाता ही लाइक्स टू वॉच अदर्स ये बैठ के गूगल पे देखता है एब्स वाले लड़कों की फोटो फिटनेस बहुत पसंद है मुझे याद है मैं जब मिला था इससे पहली बार मैं जब इससे पहली बार मिला था तो मैं इससे पूछा था भाई तू जिम जाता है क्या इतनी मसल से बाइसेप वाइसेप इतना फिर बाद में पता चला इधर फैट है भाई पूरा इधर भरा हुआ फैट हेलो जाता था मैं अरे ब्रेक लिया बस टीबोन टीबोन स्ट्रीम पे भी तूने थोड़ा उसको जैसे स्लिम कर दिया ना फेस कैम को बता मेरे को सच बताना मेरे को सच बताना नहीं रे सीरियसली वो नॉर्मल है मैं क्या कर सकता देखो मैंने पबजी मोबाइल की एक बहुत बड़ी कंपटीशन जीती है खुद पर्सनली मेरा नाम श्रीमान लेजेंड है और मुझे फिटनेस बिल्कुल पसंद नहीं है इतने ऑब्वियस सच नहीं बोलने आप श्रीमान लेजेंड हो कुछ नया बताओ एक सेकंड ये नाम नहीं फिटनेस का इन्होंने बता दिया था यार नाम किशोर भाई है ना नहीं ये झूठ था ना देखो मेरा नाम आप फंस रहे हो मैंने बोला मेरा नाम शिवन लेजेंड है ये पाजी ने बराबर कैच किया है वो चीज आपका नाम सिद्धांत है सिद्धांत कहां से आपके चैनल का नाम श्रीमान लेजेंड है यस एक सेकंड आपका नाम सिद्धांत है कि किशोर है सिद्धांत जोशी सिद्धांत किशोर नाम मुझे इतना पुराना नहीं लग रहा है किशोर नाम थोड़ा सा अरे वो व्हाट्सएप पे क्या था वो फिर मतलब ये कह रहे हो कि अगर कोई किशोर नाम का लड़का आएगा वो एक्चुअली मेरा नंबर थोड़ा लीक हो गया था कुछ जगह पे तो बंदे मुझे बार बार कॉल कर रहे मैसेज कर रहे अच्छा मैंने वो नाम रखा है ताकि कोई मैसेज करते कौन बात कर रहे मैं किशोर बात कर रहा हूँ कौन है तू ऐसा कंफ्यूजन हो गया रे किशोर सो नाउ द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड अब नाम चेंज करना पड़ेगा अब कुछ और होगा अच्छा इनको फिटनेस बिल्कुल नहीं पसंद ये सच था मतलब ओ भाई सच में फिटनेस पसंद लाइक नहीं पसंद करना नहीं है लाइक करना नहीं है राइट दो सच बोलने थे झूठ बोलना था या दो झूठ बोलने थे एक सच बोलना था दो सच एक झूठ पूरा हेरा फेरी हो गया आपको ना मैंने पहले बोला मेरा मुझे मैंने पबजी मोबाइल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता है जो कि एक झूठ है मैंने दूसरा बोला मेरा नाम श्रीमान लेजेंड वो भी झूठ बोले खेल गया भाई गेम ही का खेल गया भाई गेम का गेम खेल गया पूरा झूठ तीनों झूठ थे क्या ये शॉर्ट होल लूपहोल इसने ढूंढा गेम में पाजी आप ना दो हाँ कौन से पाजी रमन पाजी मोटे वाले पाजी रमन पाजी वाओ बॉडी शेमिंग कर मुझे कोई दिक्कत नहीं बॉडी शेमिंग नहीं हेल्दी खाते पीते घर के मेरे 32 दांत है और मुझे गाना गाना नहीं आता और मैं सारी गेम्स खेलता हूँ सारी गेम्स खेलते हो आप आपको गाना गाना आता है और आपके 32 दांत नहीं है दांत तो हम लोग ऐसे गिन नहीं सकते एक दो टूट गए तो गाना गाना आता है ये गाना गाना नहीं आता अरे मैंने अच्छा मैंने सारी सच बोल दी वैसे
रुको रुको रुको, मैं सोच रहा था एक दांत टूटा था, बदल जाते हैं आपने गाना गाने का जो बोला है वो झूठ है ना, मैं बोल रहा था मुंह खोलो। बाय द वे रमन भाई दांत, अच्छा हां हां मैंने ये बोला ना मुझे गाना गाना नहीं आता, नहीं आता तो ये झूठ है। हां रमन भाई मेरे को दांत से वो स्केच याद आ गया। अबे साले अबे साले अबे साले ओ भाई खतरनाक। अच्छा सिक वॉरियर, अच्छा नहीं वैसे गेम खत्म हुआ नहीं है क्या? ये क्या सिक वॉरियर, सिक वॉरियर मेरा बचा है, मेरा हो गया ना। अरे रोबो का तेरा? हां रोबो का हुआ ना अभी वो इनविटेशन टूर्नामेंट थिंग, सबसे ज्यादा डिस्कशन उस पे चला है। ओके सिक वॉरियर जी चलो, मैं 25 साल का हूँ और मेरी लव मैरिज हुई है और मेरी बीवी मुझे स्ट्रीमिंग करने के बाद झगड़ा करती है। ये झगड़ा करती है वो झूठ है, ऑब्वियसली झूठ है। 25 साल के तो हो आप, ऐसा स्टोरी का लास्ट वाला तो लास्ट वाला गलत है, नहीं लव मैरिज है डूड, मैंने सुना है लव मैरिज है। हां हां मेरे को पता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कॉलेज कॉलेज का प्यार, अभी मैंने सुना है ऐसा, ठीक है अब पाजी विल कंफर्म अगेन। अब तो सब अपना अपना गेस दो ना, लास्ट वाला गलत है, झगड़ा वाला गलत है। लास्ट लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला गलत है, पहले दो सही। झगड़ा नहीं करती है अरेंज, कौन सा सही है? सही है लास्ट वाला गलत है। अच्छा इट्स अ लव मैरिज स्ट्रीम, तू एक्साइट तू क्यों रहा है? खुशी खुशी ब्रो, वो भी बताइए। टीवन कहता है मैं भी कर सकता हूँ। अरे टीवन बोला काय भाभी, अपना टाइम आएगा। टीवन कैसे एज के टीवन, हाउ ओल्ड आर यू? ओह एंड रोबो इज आल्सो 27 समथिंग 28 आई नो वी हैव टर्न 29 दिस आई बोथ 91 बॉर्न। छोटा हो गया मेरा एज पूरी दुनिया को पता नहीं है। 22 नहीं कौन बोला 22? श्रीमान इज 26 आई थिंक। अच्छा 25 26, मेरी एज कोई गेस नहीं कर सकता, ऑफलाइन बताऊंगा तुमको। अरे शॉर्ट देता हूं। अरे ओके नहीं बताना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। नो एक्चुअली रमन भाई ने क्या बात, रमन भाई मैं 91 बॉर्न हूं, लाइक अभी एक दो महीने में हो जाएंगे। 91 कितना हुआ? 29 अभी 29 है। एंड क्रिप्स आई एम 22 22 ओके सो आई एम द यंगेस्ट वन, आई एम 21 बॉयज। वाओ सबसे लेट मेरा शादी होगा या तो रोबो का, लेकिन अदर विजुअल्स के हिसाब से आई थिंक श्रीमान भाई वैसे जैसे लाइक मैं इनको काफी टाइम से जानता हूं, मेरे हिसाब से इनका एज आई थिंक 27 या 28 या 29 है। श्रीमान भाई शादी हो गई क्या? दैट्स अ गेम फॉर व्यूअर्स आल्सो, गेस द एज ऑफ श्रीमान लेजेंड्स। ओ कमेंट सेक्शन में गेस करेंगे लोग, गाइस कमेंट सेक्शन में श्रीमान भाई का एज गेस करो। जो राइट कोई राइट बोला उसको रॉयल पास मिलेगा। एक सेकंड ये बताओ, सब तो कुछ ना कुछ नंबर लिख ही देंगे, कोई ना कोई कुछ नंबर तो लिख ही देगा। हाँ, कोई एक तो सही होगा ऐसे वैसे तो है। अरे कुछ तो 40-45 भी बोलते हैं अभी क्या। शिवन भाई 19 शिवन भाई इज 19 पॉसिबल है कुछ भी गाइस, पॉसिबल है नहीं भाई 19 कौन से साल का भाई, वर्किंग 19 कौन से साल का बंदा कौन सा काम करेगा? ये जो क्रिप्स है ये क्रिस ना क्या इनका नाम है? क्रिप्स क्रिप्स क्रिस ये 22 लग रहे हैं क्या? बताइए ये 22 लग रहे हैं क्या? वो अलग बात है, सोसाइटी के बच्चे अंकल ही बोलते हैं तो कह सकते हैं उसमें। कितना लगता हूं मैं वैसे, क्या बोलने वाले थे आप? 25 शब्द ये लोग 24 हां 26 27 मतलब हां 26 27 लगते हो आप। Well, we are approaching the end almost. Any closing messages for our viewers? Closing messages? Closing messages stay home, regarding man. Lockdown. Stay home. Yeah, yeah, and use this time to learn something new. Like, new hobby. Kuch bhi build karo. I'm trying to learn beatboxing as well, by the way. Maine us time pe mention nahi kiya. Chalo, try ho jaye. Example. तो ये हल्का सा मैं भी सीख रहा है, बहुत बढ़िया, ज्यादा अच्छा नहीं। नाइस 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 हाइड्रा, बहुत बढ़िया। अब रमन भाई गाएंगे पीछे से म्यूजिक देगा हाइड्रा अगले पॉडकास्ट में। रैप कर लेता हूँ, वो रैप पे बीट मैच हो जाएगा। बीट बॉक्सिंग करो, मैं बीट चालू देता हूँ, ठीक है?
यहाँ पे किसी को गिटार वगैरह कुछ बजाना आता है? पूरा बैंड बजाना रमन भाई को आता है ना, रमन भाई को भी आता है। मेरे बाजू भी पड़े हैं यहाँ पे पर ट्यून नहीं अभी। चलो ठीक है, आई विल गिव यू द बीट। ठीक है, सिंपल लाइक असली हिप हॉप वाला वो। हाँ, स्लो बीट चाहिए, थोड़ा फास्ट। खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे अब न पूछना, दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या? शिखर ये सोच पर जुड़ा हूँ मैं जमीन से, यकीन तुमको ना परा गया या मैं यकीन से। लाख नफरते हो साथ माँ का प्यार है, हंसी है उसकी जेती में, कैसे जाऊँ हार में? काट लो जुबा आंसुओं से, गाऊंगा गाड़ दो बीजू मैं पेड़ बन जाऊंगा। दिल था टूटा तब हिप हॉप मेरे साथ था, उजाले मिलने में मुझे हर रात का ही हाथ था। कलाकार मैं कल को आकार दू, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी को जात माहिर। अब मेरी गली ये मेरी माशुका लड़का। एक्चुअल में बीट बॉक्सिंग बहुत हार्ड है, सांस फूल जाती है। ये कौन सा रैप था रमन भाई? ये गली बॉय का रणवीर। पूरा रट लिया भाई। हाँ, मुझे दोनों आते हैं। So yeah, the message is learn something new. मतलब ये time है dude. अभी सब लोग इतना रोते हैं अपना normal life में कि यार break मिल जाए, time नहीं मिलता, break मिल जाए, कुछ करूँ, कुछ सीखूँ, PUBG में फिर वो pro बनना हो, या तो फिर समझ लो अपना game जो बहुत time पहले छोड़ दिया था, complete नहीं हो रहा because it's a long game. तो वो complete करूँ या तो just learning something new, like a hobby. Learn some new game maybe. Netflix will also teach you a few things if you watch good stuff on Netflix. If you're watching Bakchodi, then sorry, cut that out. Beep. Haan, but this. See, haan. Money Heist देख लो क्या? We can all एक suggest कर सकते हैं अगर show viewers को suggest करना हो तो साथ में. I would say not. हाँ, Netflix पे नहीं, कहीं पे भी यार कोई भी show suggest कर दो, Mirzapur भी बोल सकते हो. It's your choice. I would recommend a movie called Parasite. लॉकडाउन में देखने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट मूवी है. लॉकडाउन में देखने के लिए तो कंटेजन, वो क्या था, कंटेजन. हाँ, वो भी सही है. टीवन भाई एक मूवी का नाम बताओ ना व्यूअर्स के लिए. ज़्यादा देखता ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता तो मैं क्या बोलूँ. और टाइम नहीं मिलता टीवन, एक महीना हो गया. नहीं, आई एम स्टिल, मैं तो सारी बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ अभी. वर्किंग फ्रॉम होम टीवन. या 1 to 10 इट एक्सटेंड्स अप टू 12 समटाइम्स. सो डैम, आफ्टर दैट स्ट्रीम एंड देन आई स्लीप, सो देयर इज नो टाइम. सो आई डोंट नो व्हाट मूवी टू रिकमेंड इट. बॉलीवुड हॉलीवुड मैं फ्रेंड्स के साथ देखने जाता था, पर जब से मैंने स्ट्रीमिंग चालू करी तो मेरा लाइक सोशल लाइफ टोटली खत्म टाइप ही हो गया है. लाइक कभी मंथ में या टू मंथ में कभी एक बार कभी दोस्त को मिला तो मिला, ऐसा होता है. तो अब जैसे लॉकडाउन है, कुछ करने को है नहीं, नींद आती नहीं रात में, तो मैं डेली कुछ ना कुछ मूवी देख रहा हूँ. लाइक बॉलीवुड की मूवी जो इनका लाइक आईएमडीबी पे अच्छा रेटिंग है, जवानी जाने मन, ये सब ऐसी मूवीज देख रहा हूँ अभी फिलहाल में. अभी ये कल आज रात में देखूंगा शुभ मंगलम, वो जो है सावधान, आयुष्मान खुराना की. ज्यादा सावधान. हाँ, ज्यादा सावधान. तो लाइक इस टाइप की मूवी देख रहा हूँ लाइक जिनकी रेटिंग भी अच्छी, लाइक कुछ स्टोरी कैजुअल में वैसे. Robo? Source code. Okay, oh, haven't seen that. Source code, huh? Nice. Achha, any activity that you would recommend to your viewers? Not gaming, non-movies, vagara, koi dusri activity? Dhoop mein jao, thoda sunlight lo. DIY videos dekho na yaar thode. Do it yourself. Like, kafi sab stuff hai that you can make. Abhi,
आई कांट ऐसे कोई सोच नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डीआईवाई स्टफ दैट यू कैन लुक अप ऑन YouTube एंड मेक फॉर दिस कैमरा. या सी ऑल्सो अपना अपना जो केबल है उसको मस्त डीआईवाई करके उसमें एक ब्रेड लगा सकते हैं दैट यू कैन सिक्योर वो टूटे ना केबल. देयर इज सो मच यू कैन डू डीआईवाई स्टफ देयर. तो वो भी एक है सजेशन. लोग देखेंगे चलता ही रहता है कुछ ना कुछ. जुगाड़ू अपने तो भाई कर लेते हैं. जुगाड़ तो चलते ही है. स्पेंड टाइम विद योर मोमेंट आर्ट. मैं तो बोलूंगा ये आप धूप लो भाई, धूप बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्प करो मॉम एंड डैड लाइक में जरा हेल्प करो मम्मी की. इवन अगर कुछ बाहर अगर लेने जाना है तो गो लाइक उनको मत जाने दो खुद जाओ. नहीं अगर कुछ यू नीड समथिंग इंपॉर्टेंट ए दैट्स बेसिक स्टफ ब्रो. वो हां बेसिक स्टफ अगर कुछ लेना है तो मॉम डैड के जगह खुद जाओ. वन मोर थिंग, ऐसा एक कौन सा फूड दैट यू आर मिसिंग? वड़ा पाव. वड़ा पाव. वड़ा पाव. मुंबई पानी पूरी. चिकन डूड. चिकन 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 यू कैन स्टिल ऑर्डर डूड बट नॉट पानी पूरी. नहीं भाई ऑर्डरिंग सब बंद है ब्रो. व्हाई डू यू थिंक आई मेड पानी पूरी? लाइक द फर्स्ट थिंग आई मेड वाज पानी पूरी. आई लर्न बिकॉज़ आई लव लव इट डूड. आई लव इट बट पानी पूरी चिकन या वड़ा पाव वगैरह तो मिल रहा है यहाँ पे. माँ भी बना लेती है लेकिन पानी पर वही आजकल ये है कि अब घर पे ही सब कुछ बन भी रहा है. लाइक मैंने अभी पानी पूरी तो बनाया मैंने. हाँ मैंने पानी पूरी भी खाया, दही पूरी भी खाया, चिकन बिरयानी भी खाया, सब घर पे बन रहा है. पूरी कैसे बनाई? मिस वाला कोई सीन वो बाहर दुकान पे मिल जाता है अभी जो घर के नीचे दुकान है. नहीं भाई वो यार वो नहीं मिल रहा ना. सब बंद है यार. कुकिंग शुकिंग खोलो आएगा चालू करेगा. हेलो मेरे चटोरो. बट इतना अच्छा ना लॉकडाउन की वजह से वी आर सीइंग सो मेनी पीपल बीइंग क्रिएटिव घर के अंदर राइट. काफी अच्छा है. लाइक इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम देखो ना अभी यू सी लेस बुलशिट बिकॉज सेंसिबल पीपल आर होम एंड दे आर मेकिंग सो लाइक गुड कंटेंट. दे आर मेकिंग सो मच ऑफ गुड कंटेंट. गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज रियली फन डूइंग दिस. होपफुली वी विल डू इट अगेन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वी विल डू दिस अगेन होपफुली. मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यप सब्सक्राइब बॉयज. रोबो सब्सक्राइब. कृपया करके वीडियो को लाइक करो और अगर है कोई भी चैनल पे नया तो सारे मिलकर सब्सक्राइब करो सबको. एंड थैंक्स टू एसोस आरओजी फॉर लेटिंग दिस हैपन. हां यार थैंक्स. शुक्रिया. बिग शाउट आउट टू एसोस. वी विल सी यू वेरी सून. स्टे ट्यून्ड. या